हेलो एवरीवन, सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मामा स्वागत से। मैरिज वाले घर पे हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे जो जो दूल्हे के पापा है वो सभी मामा और मामियों का स्वागत कर रहे हैं, हाथ में रोली बांध रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं। ठीक है, जितने भी मामा मामियाँ हैं सारी एक जगह इकट्ठे हुए हैं और पहले इनका ही स्वागत होता है। बाकी जैसे हम रिश्तेदार हैं या जो गाँव से लोग आए हैं मामा के साथ में, उनका जो है वो बाद में स्वागत होगा। फिलहाल जो है वो रिबन कटिंग की सेरेमनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस होगा। आपको कुछ स्पेशल जो है वो गानों की आवाज़ आ रही होगी, इनको कहते हैं लाणे, जो कि शादियों में गाई जाती है। स्पेशल जो है वो औरतें होती है जो इनको गाते हैं, और जो जो रिचुअल्स हो रही होती है शादी में तो उनको वो गा के जो है वो मतलब बोलते हैं, गा के जो है वो बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये भी एक तरह का शगुन माना जाता है। जैसे इस टाइम पे मामा मामी का स्वागत हो रहा है तो ये गा के बता रहे हैं कि मामा मामी का स्वागत किया जा रहा है। इस तरह से ये हमारे रिचुअल है, ये होता ही होता है। यहाँ पे जो दूल्हे की बुआ है वो मतलब दूल्हे के मामा से जो है वो शगुन मांग रहे हैं रिबन कटाई का। तो बस वही रिचुअल चली है यहाँ पे। ये तो आपका आपसी मामला मुझे नहीं पता क्या करूं, तो आप लोग जाना होगा। एक बार इधर देखना, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ, थोड़ा साथ में ना जी, जी सामने देखना जी, एक बार इधर देखिए। यहाँ पे रिबन काटने पे मिठाई बांटी जा रही है सब में, जो कि दूल्हे की बुआ बांट रहे हैं। ये है दूल्हे की बुआ, इनसे हम पहले बहुत बार मिल चुके हैं। जब अपने घर से हम दीदी के घर जाते थे तो बहुत बातें करते थे इनसे। और अब ये रिचुअल हो रही है, जो ये कायल के हमने टहनियाँ लेके आए हैं तो अब इनकी पूजा होगी। ये पंडित जी करेंगे, इनको इकट्ठे बांध के जो है वो ले जाएंगे यहाँ से, और वहाँ पे इनकी पूजा वगैरह करके इनको स्थापित कर देते हैं, जहाँ पे बाद में दूल्हे को नहलाना होता है। अब यहाँ पे जो मामा के साथ में गांव के लोग आए थे उनको पहले यहाँ से स्वागत करके भेज रहे हैं आगे की तरफ, आशियाने की तरफ में। और ये है हमारे छोटे वाले बुआ के हस्बैंड, यानी कि फूफा जी। बुआ जी नहीं आए थे खुद, तो ये फूफा जी आए थे। और ये है हमारे बड़े वाले बुआ जी के हस्बैंड, यानी कि बड़े वाले फूफा जी। ये है दूल्हे की माँ और दूल्हे के पापा, दोनों मिलके जो है वो सबका स्वागत करते हैं। हाँ जी जनाब, तो ये है हमारे सबसे बड़े वाले भैया और भाभी। ये वाले भैया सबसे बड़े हैं, इनके बाद है ये वाले दीदी जिनके बेटे की शादी है। तो सिर्फ इनके पैर आपको छूते हुए ये दिखेंगे, बाकी सब इनके पैर छूने वाले हैं।
अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये जैसे लोअर इनके पंजाब वाली साइड कहते हैं मिलनी होती है, या जो लोअर हिमाचल है इनके भी कहते हैं कि मिलनी होती है, तो उसी हिसाब से हमारे जो दूल्हे वाले जैसे मम्मी पापा है या फिर जो मामा वाले हैं एक दूसरे को माला भी पहनाते हैं प्लस गिफ्ट भी लेके आते हैं। तो दूल्हे वाले साइड से नॉर्मली जो गिफ्ट है वो आए सबके लिए मफलर है और औरतों के लिए धाटू लेके आए हैं, ठीक है। तो जो मामा वाली साइड से हैं वो लोग अपनी पसंद से जो है वो जो मर्जी देना चाहते हैं वैसे उस तरीके से गिफ्ट एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, सो कॉल्ड आदान प्रदान करते हैं और माला वगैरह एक दूसरे को डालते हैं। बेसिकली ये हो रहा है मेन जो कॉन्सेप्ट है। ये है जी दूल्हे के सबसे बड़े वाले मामा और मामी, ये है इसके रियल मामा मामी, ये है सबसे बड़े वाले भैया, और ये है फिर छोटे वाले भैया हैं दूल्हे के छोटे वाले मामा और मामी। हैंडसम है ना मामू? अच्छा जी, तो ये है हमारे कजन ब्रदर जो सबसे बड़े वाले भैया थे, ये उनसे छोटे वाले भैया है, और ये भी मतलब दीदी से छोटे ही हैं तो ये भी इनके पैर ही पड़ने वाले हैं। और ये है दूल्हा, दूल्हे को भैया ने माला पहनाई है और भाभी जी ने टावल निकाल के दिया और भैया ने टावल दूल्हे को दे दिया। और ये है हमारे इनसे छोटे वाले कज़न भैया, तो ये भैया और भाभी और ये उनकी बेटी। और जी जनाब, ये है मेरे रियल भैया और भाभी, और मेरी भाभी इतना सुंदर परांदा लगा के आई थी ना, इनके बाल बहुत लंबे लंबे हैं। अब तो अब जो रियल मामू और मामी हैं वो स्वागत कर रहे हैं दूल्हे के माँ बाप का, प्लस जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी, जैसे दूल्हे की बुआ होगी, दूल्हे के बड़े पापा, दूल्हे के बड़ी मम्मी, अब उन लोगों के लिए जो ये गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हैं तो ये उनको देंगे और माला वगैरह पहनाएंगे। अब नॉर्मली ये हो रहा है, पहले दूल्हे के मम्मी पापा ने मतलब मामा मामियों का स्वागत किया और एक दूसरे को गिफ्ट दिए जो, लेकिन अब ये वो है जो रियल मामू है और रियल मामियाँ हैं, ठीक है। तो अब इनका जो है वो अलग से लेन देन होगा जो भी होगा।
आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप हेलो आ जाओ, इस साइड आ जाओ, यहाँ पर आओ, इतना साफ करेंगे, बड़ा आगे को हाँ जी जनाब, तो ये है अब मेरी दीदी, मतलब जो ये जिनके बेटे की शादी है ना, इनसे छोटे वाले भैया और उनसे छोटे वाली दीदी है, ठीक है। ये उनके हस्बैंड, ये उनके बच्चे, दोनों बच्चे बोलने में शर्म आती है इनको, इतने लंबे लंबे हो गए, छः छः फुट के होने को आ गए। आ जाओ आप भी साथ में। सामने देखना जी। हाँ जी जनाब, तो ये है जो दीदी अभी गए, उनसे छोटे वाले दीदी और उनके हस्बैंड और उनका बेटा है।
अगर अगर ध्यान चाहिए बहुत ऊपर लगा दे जब खड़े करेंगे ना फोटो भी ले लियो यहाँ से ठीक है जब ये फोटो भी खड़े करेंगे यही रहो यही रहो हाँ जी जनाब, तो ये है हम में से तो बड़े हैं लेकिन जिनके बेटे की शादी है इनसे छोटे हैं ये वाली दीदी जो है कज़न दीदी, तो ये उनका बेटा है साथ में। बड़ी बड़ी देना है? बड़ी बड़ी माला नहीं सारी डाल दें आपको। जनाब अब इस पेयर को इंट्रोड्यूस करवाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत है तो फिर मैं बता देती हूँ। ये है आपकी प्यारी आपकी दुलारी बहुत ही बड़बोली इंदु ठाकुर और उनके पतिदेव। फोटो दे दो साथ में। तो जनाब इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको मिलेगा डांस वाला व्लॉग, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।